और जो हमारी क्लास नंबर वन थी उसी का पार्ट टू है बेसिकली ये और यहाँ इसमें हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे इसको जो हमने ऐड नहीं की थी इसमें फिर हम ऐड करेंगे इसके बाद फिर हम इसका ही डुप्लिकेट निकाल लेंगे दोबारा से और हम इसको रोटेट करेंगे फर्स्ट सपोज करें हम यहाँ तक इसके फॉर्मेट पे जाते हैं और हम इसको रोटेट कर देंगे इतना और करने के बाद हम इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल और यहाँ से हम इसको रोटेट कर देंगे और यहाँ पे रखूँगा बेसिकली मैं इसको और यहाँ पे रखने के बाद मैं इसको सेंड टू बैक कर दूँगा बेसिकली और सेंड टू बैक करने के बाद मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत लो कर दूँगा तो जिस क्लिक करूँगा मैं इसके ऊपर और यहाँ से मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ कर दूँगा अप्रॉक्सीमेट फोटी टू थर्टी समथिंग सो यहाँ हम इसकी ट्रांसपेरेंसी डिक्रीज़ कर रहे हैं सो so, यहाँ पे हम इसकी ट्रांसपेरेंसी काफ़ी डिक्रीज़ कर देंगे ताकि वो हमें बहुत हल्का सा दिखें माइनर सा ज़्यादा ज़्यादा ना दिखें ज़्यादा सो so, ये करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको और डिक्रीज़ करूँगा ट्रांसपेरेंसी को इसकी इस तरह से ठीक है डिक्रीज कर देंगे डिक्रीज करने के बाद इसमें लगा देंगे हम बॉर्डर्स तो बॉर्डर्स जो हम यूज़ करेंगे बेसिकली मैं क्या कहते हैं शेप्स की हेल्प से भी बॉर्डर्स लगा सकता हूँ या फिर हम ट्राई करते हैं अपने डिज़ाइन मेन्यू पे जाके बॉर्डर्स का ऑप्शन तो मैं क्लिक करूंगा बॉर्डर्स के ऊपर और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम एक बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे समथिंग इस तरह का करने के बाद आप इसका कलर जो है अपनी मर्जी का चूज़ कर लीजिएगा फिलहाल मैं येलो टाइप कर रहा हूँ और यहाँ मैं कर रहा हूँ इसको ओके okay पे क्लिक तो यहाँ हमारे पास इस तरह का एक बॉर्डर बनकर आ जाएगा बट ये बॉर्डर में प्रॉब्लम ये होती है कि बेसिकली ये पूरे पे मतलब ये हमारे शेप्स के ऊपर भी आ रहा है तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास शेप्स के पीछे चला जाए ये हमारे पास शेप्स के ऊपर जो है वो बॉर्डर्स बनकर ना आए तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे फिर हम जो इसके अंदर शेप्स का या फिर लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उस चीज़ के लिए मैं पहले बॉर्डर्स नन कर दूंगा यहाँ से जाकर डिज़ाइन पे जाऊंगा पहले मैं और मैं बॉर्डर्स पे गया और मैंने यहाँ से बॉर्डर्स नन कर दिए फ़िलहाल क्या कर दिया मैंने इसको ओके okay? अच्छा जी अब मैं इंसर्ट पर जाकर यहाँ पर शेप्स के थ्रू जो है ना मैं यहाँ पर एक बॉर्डर डिज़ाइन कर सकता हूँ तो मैंने यहाँ पर बेसिकली अपने पास एक शेप मैं यहाँ पर ले लेता तो हूँ जैसे कि फरसपोज करें मैंने यहाँ पर ये शेप इंसर्ट किया अपने पास पूरे पेज के ऊपर इस तरह से और शेप को मुकम्मल तौर पे मैं अपने पास शेप पे इंसर्ट कर लूँगा इस तरह से और थोड़ा बहुत यहाँ से बढ़ा दूँगा ये होने के बाद मैं इसका फिल शेप नन कर दूंगा नो फिल और आउटलाइन हम जो इसके अंदर डिफरेंट तरह की डाल सो इसकी फिर हम शेप आउटलाइन पर जाएंगे और मैं फ़िलहाल इसमें एक रैंडम आउटलाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसकी आउटलाइन थोड़ी थिकनेस इंक्रीज कर रहा हूँ इस तरह से और करने के बाद बेसिकली मैं इसके आउटलाइन के वेट पे जाऊंगा मोर लाइंस के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इसमें डिफरेंट लाइंस भी सलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह की ठीक है भाई उसके बाद फिर आप थोड़ी विदनेस और बढ़ा देंगे तो आपके पास फिर ये इस तरह से आपको बॉर्डर्स देखने को मिलेंगे अपने पेज पर अब ये आने के बाद देखें ये बेसिकली अभी यहाँ से इसके ऊपर आ रहा है तो मैं जस्ट क्लिक करूँगा इस वाले शेप पे मैं शो कर दूंगा भाई ब्रिंग टू फ्रंट ताकि हमारे पास इसके ऊपर आ जाए और फिर यहाँ पर आएंगे इस पर भी क्लिक करूंगा बेसिकली मैं और इसको भी कर दूंगा मैं ब्रिंग टू फ्रंट ताकि हमारे पास इसकी भी ऊपर आ जाए अब हमारे पास बॉर्डर्स ठीक है पीछे आ रहे हैं और मुकम्मल तौर पर हमने इसको सेट कर लिया है इस तरह से आप चाहें इस वाले शेप को भी ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे तो वो भी बेसिकली इसके ऊपर से ही आना शुरू हो जाएगा इस तरह से अब ये होने के बाद हम इंसर्ट पे जाएंगे यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे तो मैं जाऊँगा अपने टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करूँगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर उसके बाद यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दूँगा और यहाँ पे हम लिख देंगे लाइक like सर्टिफिकेट ठीक है भाई सेलेक्ट करेंगे इसको थोड़ा साइज़ में इनहेंस कर लूँ इसका बेसिकली करने के बाद हम होम मेनू पर जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे फिलहाल मैं लेवलो ब्लैक फ़ॉन्ट कर रहा करूँ ये मैंने नेट से डाउनलोड किया है लेवलो ब्लैक नाम है इस फ़ॉन्ट का इसको सेंट्राइज कर दूंगा कंट्रोल ई से हम शॉर्ट की होती है सेंटर में करने की और हम यहाँ से इसमें कोई भी टेक्स्ट कलर फ़ॉन्ट कलर अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से करने के बाद हम इस शेप की आउटलाइन फ़िलहाल नो कर देंगे बिकॉज तो आपको पता है टेक्स्ट बॉक्स आउटलाइन लेकर आता है अपना फिल शेप भी ले आता है तो उस पर से इसको नो कर नो बाई नो कर देंगे इस तरह से करने के बाद ऊपर रखेंगे आप चाहे फॉन्ट कलर थोड़ा डार्क रेड यूज़ कर लीजिए आपकी मर्ज़ी है उसके बाद से सर्टिफिकेट के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ऑफ़ एप्रिसिएशन ठीक है जी तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ठीक है अब वो बेसिकली आप कंप्लीसन लिख दें आप या फिर आप एप्रिसिएशन लिख दें आपकी मर्जी है तो मैंने कंट्रोल दबाया इसका डुप्लीकेट निकाला सर्टिफिकेट का और मैंने यहाँ पर जो है बेसिकली इसको ऑफ़ uh, लिखा यहाँ पर ऑफ मैंने लिख दिया भाई एप्रिसिएशन इस तरह से सेलेक्ट किया मैंने इसको और मैंने होम मैंने बजे जाके बेसिकली क्लिक कर दिया क्लियर फॉर्मेटिंग पता कि ये सब कुछ पहले जैसा हो जाए उसके बाद फिर हमने यहाँ से बेसिकली मैं फोन सेलेक्ट कर लूँगा सेंचुरी गॉथिक और थोड़ा मैं फोन से इंक्रीज करूँगा इसका कंट्रोल ई अगेन सेंट्रल अलाइनमेंट कर दूंगा यहाँ से मैं इसको और मैं यहाँ से इस फॉन्ट कलर ब्लैक चूज कर लूँगा इस तरह से ये करने के बाद उसके बाद आप फिर नाम का ठेके एरिया दें या फिर यहाँ पर लिख दें यहाँ पर दिस सर्टिफिकेट इज प्राउडली प्रेजेंटेड टू जैसे यहाँ पर क्लिक किया कंट्रोल दबा के इसका डुप्लीकेट क्रिएट किया उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया कि लाइक दिस सर्टिफिकेट इज प्राउडली प्रेजेंटेड टू ठीक है ये लाइन लिखने के बाद आपने डुप्लीकेट निकालनी अगेन इसकी ठीक है निकालने के बाद डुप्लीकेट आपने इसके अंदर कोई भी रैंडम नाम लिख दिया जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक सो नेम फॉर सपोज करें लिखने के बाद सेलेक्ट किया फॉन्ट को मैंने यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पर मैं इसका स्टाइल चेंज कर दूँगा फिलहाल और यहाँ पर जो है बेसिकली मैं इसको एक कलर uh, प्रोवाइड कर दूँगा और मैं यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर दूँगा यहाँ से इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज़ होता है ठीक है भाई So, यहां से इसका इंक्रीज कर देंगे फ़ॉन्ट साइज आप भले इसको यहीं पर ही मैनेज कर लीजिएगा अच्छे से ये होने के बाद आप इसके नीचे एक लाइन लगा सकते हैं सो so, उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट मेन्यू यहाँ पे मैं शेप पे क्लिक करूंगा और यहां से हम एक लाइन इंसर्ट कर लेंगे अपने पास कुछ इस तरह से और लाइन इंसर्ट करने के बाद जो है हम बेसिकली इसके अंदर आउटलाइन भी दे सकते हैं तो मैंने यहाँ पे येलो कलर की आउटलाइन दे दी आप चाहे ब्लैक कलर की दे दें ऐसे यहाँ पे हम ब्लैक कलर की आउटलाइन भी दे सकते हैं और आउटलाइन का वेट थोड़ा हम इंक्रीज़ कर देंगे इस तरह से तो ये हमारे पास इस तरह प्रॉपर तरीके से आउटलाइन बनकर आ जाएगी ये होने के बाद हम सिंपल जो है बेसिकली दोबारा कंट्रोल का डुप्लीकेट निकाल लेंगे मजीद इनके बारे में मतलब इस चीज़ के बारे में लिखने के इन्होंने सर्टिफिकेट कैसे हासिल किया क्यों किया तो वो चीज़ फिर हम यहाँ पे रैंडम कमांड से फिलहाल तो मैं अभी यहाँ पे रैंडम कमांड का एक रैंडम टेक्स्ट लेकर आ रहा हूँ अपने पास ठीक है इसके थ्रू हम जो है रैंडम टेक्स्ट लिख सकते हैं इसके अंदर जो कि मैं थोड़ा साइज में इंक्रीज कर दूँगा फोन के लिए और यहाँ पर क्लिक कर कर इसको हम यहाँ पर रख देंगे इस तरह से और कलर मैं बेसिकली इसमें रेड रेड कलर दे सकता हूँ ठीक है या ब्लैक कलर भी सही लगेगा और ग्रे कलर भी अच्छा लगेगा तो ग्रे कलर भी आप लगा सकते हैं आपकी मर्ज़ी है उसके बाद ज़रा मैं फ़ॉन्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैं थोड़ा फ़ॉन्ट कम कर लूँगा इसमें से इतना रख दूँगा फिलहाल और सेंट्रल लाइमेंट मैंने किया है बेसिकली हम थोड़ा साइज का इंक्रीज़ कर सकते हैं कंट्रोल आई से अटालक भी कर दे तो चलेगा ठीक है तो यहाँ हमने चीज़ को सेट कर दिया इस तरह अपसेट करने के बाद हम यहाँ पर बेसिकली अगेन जो है टेक्स बॉक्स लेके ड्रा करते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट निकाली मैंने फिलहाल निकालने के बाद मैं जो जूँ इसके अंदर बेसिकली टेबल लेकर आऊँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे सिग्नेचर्स और डेट के लिए एक स्पेसिफ़िक जगह रखनी है तो मैं टेबल पे जाऊँगा और मैं यहाँ पर इसके अंदर क्लिक करूँगा पहले क्लिक करने के बाद मैं टेबल पर जाऊँगा और मैं यहाँ पर टू बाई टू की रॉ बाय कॉलम लेकर आ जाऊँगा इस तरह से या फिर आपकी मर्ज़ी आप एक और इसमें ले आएँ कॉलम ठीक है ताकि बीच में हमारे पास एक गैप के लिए कॉलम आ जाए तो और भी अच्छी बात है तो यहाँ मैं इसमें इस तरह से सेट कर लूँगा चीज़ों को टेबल थोड़ा बढ़ा देंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कॉलम ताकि सब में ये रॉ इक्वल हो जाए उसके बाद बीच वाला गैप थोड़ा कम कर दूँगा तो मैं बीच वाले कॉलम का साइज़ डिक्रीज़ कर दूँगा इस तरह से ये वाला भी यहाँ से भी डिक्रीज़ कर देंगे इस तरह से करने के बाद हम बेसिकली नीचे वाले साइड पर जाएंगे और यहाँ पे मैं या डेट जो भी होती है बेसिकली यहाँ पे हम लिख देंगे पहले डेट वग़ैरह और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ मैं लिख दूँगा लाइक सिग्नेचर और लिखने के बाद आप भले किसी का आपको सिग्नेचर चाहिए तो आप उसका भी यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं मिस्टर अली या ड्राइवर जो भी आप चाह रहे हैं उसके बाद थोड़ा मैं टेक्स्ट बॉक्स इंक्रीज कर दूँगा जिससे भी थोड़ा थोड़ा उसको उठा के ऊपर रखेंगे और रही बार टेबल के तो मैं टेबल डिज़ाइन पे जाकर इसके बॉर्डर्स को नो कर दूंगा ताकि प्रिंट में हमारे पास बॉर्डर्स ना आए जहाँ हम बॉर्डर चाहते हैं सिंपल वहाँ पर तो मैं चाहता तो रहा हूँ डेट के ऊपर एक बॉर्डर है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं इस सेल के ऊपर और बॉटम के साइड पर एक बॉर्डर ले आएंगे लेकिन बॉर्डर हमारे पास ब्लैक होना चाहिए जो कि ठीक लगे दिखने में और थोड़ी मैं उसकी थिकनेस बढ़ा दूँगा उसके बाद क्लिक करूँगा तो ब्लैक बॉर्डर आएगा यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो हमारे पास बॉटम साइड पर ब्लैक बॉर्डर बनकर आएगा और रही बात इनके नेम्स के साइज़ की तो उसको हम अप्रॉक्सीमेट थोड़ा कम रखेंगे ट्वेंटी टू आवे तो हम फोर्टीन रख सकते हैं ये भी काफ़ी है और डेट का साइज़ भी हम फोर्टीन रख सकते हैं सो वो भी काफ़ी रहेगा इस तरह से सब करने के बाद हम यहाँ पे एक स्टैंप लगा देंगे गोल्डन स्टैम्प सो गोल्डन स्टैम्प हम ने डाउनलोड कर लेंगे आप लोग कर लीजिएगा गूगल पे आकर लिखिएगा डाउनलोड गोल्डन स्टैम्प मतलब सन पर लिखेंगे तो आप आपको इमेज़ वाले एरिया में वो आ जाइए ठीक है आपके पास इमेज तो उस पर क्लिक करके अपने पास डाउनलोड कर लीजिएगा जिस तरह मैंने अभी यहाँ पर डाउनलोड कर ली है मैं डेस्कटॉप पर जाकर इस इमेज को उठा लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से क्लिक करूँगा इमेज पे यहाँ से रिंस्टर्ट कर दूंगा ताकि हमारे पास ये यह हमारे यहाँ पर बनकर आ जाए इस तरह गोल्डन स्टैम्प आने के बाद मैं सिंपल इसको चाहूँ तो यहाँ रखूँ बेसिकली या फिर चाहूँ तो यहाँ रखूँ तो कहीं पर भी आप चाहें इसको रख सकते हैं लेकिन उससे पहले आप इसको रैप टेक्स पर जाकर इन फ्रंट ऑफ टैक्स कर लीजिएगा या फिर आप इसको बिहाइंड द टैक्स भी कर सकते हैं मर्जी आपकी जो भी हो ठीक लगे तो फिलहाल मैंने इसको कर दिया बिहाइंड द टैक्स और मैंने यहाँ पे स्टैम्प रख दी इस तरह से तो इस तरह हमने पूरा एक कंप्लीट सर्टिफिकेट डिज़ाइन किया है ठीक है आप कंट्रोल पी में प्रेस कर रहा हूँ प्रिंट प्रीव्यू के लिए तो ये हमारे पास इसका प्रिंट रिव्यू है चूँकि हमारे पास इस तरह देखने को मिल रहा है हमें जो काफी एक अच्छा लुक दे रहा है तो कोशिश कीजिए कि अब आप, आप भी इसको डिज़ाइन कीजिएगा ठीक है और डिज़ाइन करने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि एम एस वर्ट में ये चीज़ें इस तरह बनती हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करना कमेंट करना और सब्सक्राइब करना अल्लाह हाफिज